बसपा सुप्रीमो मायावती ने मंगलवार को लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़ा हमला बोला। मायावती ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि 6 चरणों के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि अब केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार जा रही है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की सरकार यह चुनाव हार रही है। इस चुनाव में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की नैया भी डूब रही है। आरएसएस ने भी अब भाजपा का साथ छोड़ दिया है। बसपा सुप्रीमो ने कहा कि इस चुनाव में झोला उठाए स्वयं सेवक नहीं दिखाई दे रहे हैं। अधूरे चुनावी वादों और जनता के आंदोलन के मद्देनजर उनके स्वयं सेवकों को काम में नहीं लगाया जा रहा है। इसने मोदी को परेशान कर दिया है। इस दौरान मायावती ने चुनाव आयोग को नेताओं के मंदिरों में जाकर प्रचार करने पर रोक लगाने की भी मांग की है। उन्होंने कहा है कि ऐसा कर नेता जनता का समर्थन जुटाने की कोशिश करते हैं। वहीं उन्होंने कहा है कि चुनावों के दौरान रोड शो और नमाज अदा करना एक फैशन बन गया है, जहां बहुत पैसा खर्च होता है। चुनाव आयोग को रोड शो में आए खर्च को प्रत्याशी के खाते में जोड़ना चाहिए। अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज punjabkesari.com को लाइक करें, और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल punjabkesari.com को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं निखिल कुमार, पंजाब केसरी, दिल्ली।